स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने प्योर सब्सटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर के बारे में। तो पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपका मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और आपको करना क्या है, पीसीबी क्लब फटाफट सब्सक्राइब करना है और एक रजिस्टर पेन लेकर रेडी रहना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा डिफरेंस भी पढ़ा था, तो उससे आपको मिक्सचर तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मिक्सचर है क्या। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस वो टू या टू से ज्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। कंपाउंड में हमारे क्या होते थे, टू एलिमेंट या मोर देन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होके बनते थे या ज्यादा मॉलिक्यूल होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो हमारा मिक्सचर होगा वो टू और मोर एलिमेंट्स से मिलके बन सकता है या फिर कंपाउंड से। लेकिन जो हमारे ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे, they are not chemically combined, यहां पर कोई भी chemical combination नहीं होगा, ये सिर्फ एक साथ होंगे लेकिन कभी इनमें chemical combination या कोई bonding नहीं होगी। जैसे आपका air है, अब air हमारा क्या है, mixture। air में क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है आपकी, oxygen हो गया, CO2 हो गया, nitrogen हो गया, इनर्ट गैसेस होंगी, वाटर वेपर होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये क्या होती है, एक साथ प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये केमिकली कंबाइंड नहीं होती है। यानी कि आपका ऑक्सीजन जो होगा वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करती है। अब ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है, कम्बशन में हेल्प करती है। वही CO2 क्या करेगा, अगर हम एयर को लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी कि वहां पे अपना CO2 अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो एयर हमारा क्या है, मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है लेकिन सभी अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और जो आपका एयर है इसको हम फिजिकली, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा मिक्सचर है, तो जो इसके पार्ट्स हैं जिससे मिलके बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर, या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। तो एयर होगी, ठीक, तो ये तो हो गया मिक्सचर। और आपका जैसे है गन पाउडर, गन पाउडर ये भी क्या है, आपका मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, सल्फर होगा और चारकोल। चारकोल क्या है आपका, तो कार्बन का ही पार्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, मिक्सचर। यानी कि इसको हम फिजिकली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल अलग अलग कर सकते हैं और ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। और आपके जैसे ब्रास, ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, ये हमारा ब्रास भी क्या है, एक मिक्सचर है। और बहुत से एग्जाम्पल है, मिक्सचर हो गया, सुगर सॉल्यूशन हो गया, ब्लड है, इंक है, आपका सोप सॉल्यूशन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेट्रोल है, लाइम है ना, लाइम वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, एयर हो गई आपकी, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और आपका जो चॉक पाउडर सॉल्यूशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, और आपके जितने भी सॉल्यूशन हैं ये सारे हमारे क्या हो गए, मिक्सचर है। आपका मडी वाटर सॉल्यूशन हो गया, आपकी सॉइल हो गई, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, मिक्सचर। यानी कि इनमें बहुत एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, सभी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना तो इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग लास्ट वीडियो में कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये आपका जनरल हो गया मिक्सचर के बारे में।
अब जैसे बात करें हमारा जो वाटर है, तो वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है? वो कंपाउंड है तो क्यों है? अब हमें पता है जो वाटर है इसमें हमारे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है, केमिकली कंबाइंड है। इसको हम फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा वाटर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा कंबसिबल है। ऑक्सीजन हमारी क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। लेकिन वही वाटर क्या करता है, आग को क्या करता है, बुझा देता है, यानी कि अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है। आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक। तो और इसको हम अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, तो उससे हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, और एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। तो ये आपको क्लियर हो गया। मिक्सचर है, ये टू टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस। तो मिक्सचर को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो इसमें जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस मिले हुए हैं मिक्सचर में, तो वो अलग अलग हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने सुगर सॉल्यूशन बनाया, तो क्या आप सुगर सॉल्यूशन से सुगर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या उनमें कोई डिफरेंशिएटिंग लाइन होती है कि हमें पता चल जाए इतना पार्ट वाटर और इतना पार्ट शुगर? नहीं ना। अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें पूरे पार्ट में स्वीटनेस क्या होती है, एक जैसी होती है। कोई आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आपको एक सा टेस्ट आता पूरे में। तो यानी कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो आ गए हमारे होमोजेनियस मिक्सचर में। यानी कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, जो चीजें हमारी मिली हुई है, जो मिलके मिक्सचर बना रहे हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मिक्सचर में, वो क्या होगा, एक जैसा। तो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हुआ, जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस मिले होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इसमें कोई भी डिफरेंशिएटिंग लाइन नहीं होगी, डिफरेंशिएटिंग लाइन क्या होगी, एब्सेंट होगी। यानी कि हम इसमें अलग अलग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको अलग अलग पहचान नहीं सकते। तो हमारे जो सॉल्यूशन हो गए, जितने भी हमारे सॉल्यूशन हैं और जो हमारे एलॉय हैं, ये आ जाते हैं हमारे होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक। अब जो आते हैं हमारे हेटरोजेनियस मिक्सचर, तो इसमें क्या होता है, जो इसके कंपोनेंट है, हमने इसको जब मिलाया तो इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा इसका। इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे इसमें ये चीजें मिली है। जैसे आपने मिलाया ऑयल और वाटर, तो क्या होगा, ऑयल आपको अलग दिखाई दे जाएगा, वाटर अलग, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। आपने पानी में क्या किया, थोड़ी सी सैंड कर दी, तो क्या हो गया, आप सैंड अलग देख लोगे, वाटर अलग। तो ये हेटरोजेनियस मिक्सचर में आपके क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, डिफ्रेंशिएटिंग बॉर्डर, ठीक, आपको इसमें साफ साफ दिखाई देगा। जो उसके पार्ट्स हैं आप उनको अलग अलग पहचान लोगे। जैसे आपके इसमें आ जाता है क्या, आपका इसमें आ जाता है आपका सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन एंड कोलाइड आपके आ जाते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर में। तो जो हमारे मिसबिल लिक्विड्स हैं, जैसे एल्कोहल एंड वॉटर, दोनों क्या है, मिसबिल है, तो ये क्या बनाएंगे, सोल्यूशन। तो इसके जैसे हो गया एल्कोहल एंड वॉटर सोल्यूशन, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन हो गए आपके ना, सुगर सोल्यूशन हो गया, और जो आपकी प्योर एयर है, जो आपकी अनपॉल्यूटेड एयर है, वो आपकी आएगी होमोजेनियस मिक्सचर में।
और जो आपकी पॉल्यूटेड एयर होगी, पॉल्यूटेड एयर ये आ जाएगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, और जो आपके इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल एंड वाटर तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आपने अगर सुगर और सैंड ले लिया तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि क्या होगा कहीं पे आपको शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा दिखेंगे कहीं पर सैंड के, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा। आप चौक पाउडर बनाते हैं, चौक पाउडर आपने वाटर में किया तो क्या होगा, आपको वाटर में चौक के पाउडर क्या होंगे, पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें चौक के पार्टिकल दिख रहे हैं, वाटर में अलग से दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखेगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सी चीज कहां पर है, एक जैसा लगेगा, टेस्ट भी एक जैसा होगा, हर जगह जो कॉम्बिनेशन उनका है वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब कॉम्पोजिशन उसका फिक्स्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा एक जैसा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हमें नहीं मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बॉर्डर आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दो मिसिबल लिक्विड लेते हैं तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते वो लेते हैं तो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आपका सुगर सॉल्यूशन, प्योर एयर हो गई, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में। और आपके ऐसे ब्लड है ना, और आपकी इंक है, तो ये आ जाते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो और जो आपकी पॉल्यूटेड एयर है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कहीं पे पोल्यूशन ज्यादा है तो CO2 ज्यादा हो जाए या डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमें आराम से, हमें डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, धूल वगैरह होती है क्या, दिखती है एयर में, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना ही इवॉल्व होगी, तो नीदर एब्जॉर्प्शन नॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, और ना ही उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, तो ये सिर्फ क्या होता है, एक तरह का फिजिकल चेंज है, हमने दोनों चीजें मिला दी बस, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब जो हमारे मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम बाय फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में आपके क्या आ गए, जैसे हमने फिल्ट्रेशन किया, एवोपरेशन किया ना, मैग्नेट यूज करके किया या किसी चीज में डिसॉल्व करके किया, तो ये क्या हो गए हमारे फिजिकल मेथड्स। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके कॉम्पोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट देयर कॉम्पोनेंट्स। जैसे आपने बनाया सॉल्यूशन मिक्सचर आयरन और ले लिया सल्फर, सल्फर का पाउडर लिया और आयरन के हमने कुछ फिलिंग्स लिए, दोनों को हमने मिक्स करके बना दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम मैग्नेट लाते हैं इसके पास में, तो जो हमारे आयरन के फिलिंग्स होंगे वो इस मैग्नेट में क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और हमारा आयरन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब अगर हमने इस मिक्सचर को CH2 के सॉल्यूशन में डाल दिया, CH2 सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सल्फर हमारा डिसॉल्व हो जाता है, तो हमारा जो सल्फर होगा वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जब हम फिल्टर करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, आयरन की फिलिंग्स हमारी बच जाएंगी और सल्फर आपका CH2 में चला जाएगा। तो यानी कि हम फिजिकल मेथड के थ्रू जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट है उनको सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कॉम्पोनेंट आयरन होगा वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फर अपनी प्रॉपर्टी। अगर हम आयरन की H2SO4 से कराते हैं रिएक्शन तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फेरस सल्फेट बन जाएगा, तो यहाँ पे आयरन अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करेगा। तो यानी कि यहाँ पे मिक्सचर में जो कॉम्पोनेंट्स है
वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, अब अगर मिक्सचर हमने लिया तो मान लीजिए कुछ पार्ट में यहाँ पे क्या होगा, आयरन ज्यादा होगा या सल्फर कम होगा, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। तो और पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन इसका फिक्स नहीं होता, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर आयरन ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर सल्फर कम हो जाएगा, तो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। और जो आपके सॉल्यूशंस हैं, ये आपके सॉल्यूशन एंड एलॉय, ये आपके हो जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और आपके सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये आपके हो जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये रहा आपका मिक्सचर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये तीनों इसके पार्ट है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां तक तो बेसिक था आपका, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था आपका मिक्सचर का। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।